আফটারনুন এভরিওয়ান। তারপর তোমরা কেমন আছো? দেখো ওই হিবিস্কাসটা শুকিয়ে আছে, তো নতুন আরেকটা হিবিস্কাস ফ্লাওয়ার এসেছে, কি সুন্দর লাগছে না? তারপর তোমরা কি করছো আজকাল? তো খুব ঘরের মধ্যে রান্না বান্না গল্প স্বল্প অনেক কিছু হচ্ছে নিশ্চয়। আমরাও কিছু কিছু করছি। দেখো কাল যে বার্থ দিখাই থি না, ওয়াশলার হো গিয়া হ্যায় না? এই আমার নয়নতারা, আগের বছর কত রং বেরঙের নয়নতারা ছিল, আমি তাই দেখছিলাম। বার্ডস ট্রিটলিং এন্ড ইটস আ ভেরি ক্লিয়ার স্কাই, আ লিটল উইন্ডি এন্ড সানি অলসো। আব মেয়ে ফির সে আ গই হু আপনা কুছ কুছ পেইন্টিং লেকে। কুছ খাস হ্যায় নেই মেরে পাস, ওই ক্যালেন্ডার কাট কুট কে কুছ কুছ দিয়ে হু। कभी सोच रही हूँ इसको क्या लुक दू, लैंटर्न पे लुक दू, लेकिन इतना तो मेरे को आता नहीं है पेंटिंग वेंटिंग। चलो देखो क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा देखो, ये लैंटर्न की तरह नहीं लग रहा है। देखो ऐसे बना दी हूँ, कुछ नहीं सिंपल। इसके बाद क्या करूँगी सोच रही हूँ, ये देखो इस तरह से एडजस्ट मेड इट। अभी देखो ये इस तरह से बना है, खास कुछ नहीं बनाई हूँ। अब इसमें सोच रही हूँ थोड़ा येलो डॉट्स दे ही दूँ, है ना, उसमें शायद थोड़ा फर्क पड़े, है ना। पहले जमाने का बॉटल्स देखा, ऐसे ब्लू कलर का बॉटल्स होता था, तो उसमें भी एक याद आ जाता है, बेने स्टार्टेड दिस आई डिडंट थिंक अबाउट इट, बट अभी मुझे लग रहा है। देखो इस तरह से है, कुछ और डॉट्स भी दे दूं अच्छा लगेगा क्या? देखो इस तरह से बन गया, एक लैंटर्न लाइट का इफेक्ट देखे इस तरह से बनाई हूँ। बहुत ही सिंपल है, मेरे को खुद को ही बहुत सिंपल लग रहा है, बट पता नहीं बहुत एथनिक भी लग रहा है। समथिंग जैसे मैं कोई पुराने दिल्ली में या कहीं जहाँ पे ये सब बॉटल्स वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे इस कलर की बॉटल विच इज़ वेरी वेरी रेयर नाउअडेज, उस तरह के एक इफेक्ट मुझे पता नहीं, इट इज़ यू नो क्रॉसिंग माई माइंड, इट इज़ क्रॉसिंग माई विजनरी फीलिंग, बट इस तरह के बॉटल्स ही होता है which is very rare nowadays। देखो इस तरह से ना आप बंगाल या कश्मीर का मिक्सड क्लस्टर्ड लुक देख सकते हो, उसमें कुछ बाहर के इफेक्ट भी है। दिस इज अ गिफ्ट विच वी गॉट फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज जो है, छोटी छोटी चीजों से ही आप घर सजा सकते हो। डिक्शनरी का इफेक्ट पता है क्या आ रहा है, नेवी ब्लू कलर का, तो नेवी ब्लू कलर का यहाँ पे एक इफेक्ट आ जाता है जो इसमें अच्छा लगता है। और घर सजाना मतलब ये नहीं है महंगी चीजों से, तो आप सजा ही सकती हो, कैन ऑलवेज डू इट, बट सिंपल चीजों से भी घर सजाया जा सकता है। एक प्लांट से भी घर सजाया जा सकता है, एक बच्चे का बचपन के खिलौना से भी सजाया जा सकता है, और डिक्शनरी रखो तो अपना पापा भी याद आ जाते हैं, है ना, अच्छी बात। देखो अभी मैं क्या की हूँ, अभी मैं ये जो टॉय है ये निकाल ली हूँ, है ना, ये टॉय निकाल के मैं इधर केटल और कप रख दी हूँ, और विद दिस आई हैव केप्ट दिस बॉटल, एंड बस इस तरह से सजा दी। यहाँ पे तुरंत स्टोरी का जो थीम लाइन है ना वो चेंज हो गया, केटल एंड कप, मतलब यू आर हैविंग टी इन अ केटल, यू आर पुटिंग इट इन अ कप एंड हैविंग इट, यू आर रीडिंग अ बुक। पहले भी मैं दिखाई थी ये मेरे बेटू को सीनरी बचपन में, फोर्थ फिफ्थ में उसने बनाया था, है कितना सुंदर है ना, अपना गांव याद आता है, तो इस तरह के पिक्स देखो और मन खुश आ जाएगा। हमारे उधर ना ऐसे डक्स चलते हैं, ऐसे आप वाइल्ड में देखना, ऐसे लोटस होता रहता है। एंड एक बार ना अक्टूबर में हम लोग कोलकाता गए थे बाई ट्रेन, लेकिन हमारे ये इधर देर इज नो डिस्क्रिमिनिटी। बनारस जब हम क्रॉस कर रहे थे, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस देर वर सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यू शुड हैव लुक्ड, जैसे धरती माँ के वहाँ दुर्गा पूजा के टाइम पे, मतलब द होल एनवायरमेंट, द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड वॉज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। स्पेशली बोलते हैं ना जो जो एरिया में बोलते हैं ना भगवान जी का, मतलब बनारस तो भगवान जी का ही, माँ दुर्गा और शिव जी का जगह है, तो इतना सुंदर था, जैसे लग रहा था माँ दुर्गा और शिव जी सुंदर करके सजाए है वो जगह को। जी मन बिल्कुल पंछी है ना, पंछियों की तरह कहीं भी उड़ सकता है, मन को आप बांध नहीं सकते है ना, मन कहीं भी जा सकता है, मन कुछ भी मतलब अच्छे अच्छे चीज अपने अपने लोगों के बारे में मन सोच सकता है, मन की कोई बंधन नहीं है, मन की कोई
पाबंदी नहीं है, एक अच्छा सा फीलिंग है ना। तो है हमारे गांव छोटे छोटे जो विलेज में है ना, ऐसे थैच्ड हट्स होते हैं, देयर यू नो वास्ट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स, पॉन्ड्स, इस तरह से पेड़ होते हैं, पेड़ की छांव में लोग बैठते हैं, बैठ के बातें करते हैं, एंड अच्छा सा ग्रास होता है, पॉन्ड में डक्स होते हैं, चिड़िया उड़ते रहते हैं, लोग कैजुअली फार्मर्स भी अपनी होता है ना फार्मिंग का काम करते हैं, इस तरह से माझी अपना नाव चलाता रहता है, फुल पूर्णिमा के रात में, पूर्णिमा के चांद में ऐसे अच्छे से नाव चलता रहता है। और इसी नोट के साथ आज का दिन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। मे वी प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर द गुड हेल्थ, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस, एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड मे वी ओवरकम दिस आर ऑफ क्राइसिस, मेडिकल क्राइसिस एंड लॉट्स ऑफ यू नो अलॉन्ग विद इट अटैच्ड क्राइसिस दैट वी आर हैविंग, वी आर अवे फ्रॉम आवर नियर एंड डियर वंस, मे बी वी आर स्टक अप समवेयर, तो ये सब कुछ हम लोग ओवरकम करके वी शुड बी हैप्पी, हेल्दी, स्माइलिंग, एंड अ डे शुड कम व्हेन द सन शुड राइज एंड वी शुड बी फ्री, हैप्पी, हेल्दी एंड मस्त मस्त। एंड विद दिस नोट आई एंड माय डे टुडे, कल फिर बातें करेंगे। वाओ, लुक एट द स्काई यार, परहैप्स गॉड रेसाइड्स हियर ओनली, इजंट दिस ब्यूटीफुल, कैसे लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल करिश्मा ऑफ नेचर है ना, सूरज की किरणें किस तरह से छटाओं की तरह ना, जैसे ऑरा होता है ना गॉड का, उस तरह से चारों तरफ है, एंड इजंट इट लुकिंग लाइक अ बोट एंड द मास्क ऑफ अ बोट, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल है ना, बड़े सुंदर।